अंग्रेजी वर्णमाला एवं शब्द संरक्षण परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला एवं शब्द संरचना परीक्षण, इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट। अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट जिन ध्वनि संकेतों के और खंड न हो सके उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो, यानी कि कभी कमी न हो, अर्थात अ प्लस क्षर। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जो कभी भी नष्ट न हो उसे अक्षर कहते हैं, तथा ध्वनि को खंडित न हो उसे वर्ण कहते हैं। जैसे ए बी सी एंड डी, यानी कि लगातार आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और बाकी सारा जो भी है आदि, इन वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। करेक्ट। देखिए ये है हमारा ऐसा ऐसा अंग्रेजी वर्णमाला, वर्ण आदर्श क्रम स्थान। ठीक है, अब देखिए स्वर वर्ग व्यंजन वर्ग, स्वरण व्यंजन वर्ण यह तो आप लोग जानते ही होंगे, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम स्थान देखेंगे। सीधे क्रम, अंग्रेजी अक्षरों के ए से जेड तक बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम कहते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच ये हमारा सीधा क्रम है, एंड विपरीत क्रम में जेड, विपरीत क्रम बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू ऐसा ऐसा हमारा आ जाएगा विपरीत क्रम। अब देखिए विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर के संगत संख्याओं का योगफल हमेशा 27 होता है, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के कोई दो अक्षर जिनका वर्णमाला क्रमानुसार मान का योगफल 27 हो जाए तो वे दोनों अक्षर आपस में एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं। करेक्ट। अब हमारा देखिए यहाँ पे दिशा और स्थान, इसके अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर दिया गया होता है और उसके बाएं या दाएं का अक्षर पूछा जाता है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर का बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। ये सब करने से पहले हम ए बी सी डी ई एफ अल्फाबेटिकल अक्षर लिखना होता है। यह हमारा क्वेश्चन को कम समय में करने में मदद करता है, यह जरूर कीजिएगा एग्जाम हॉल में। एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे 20वें अक्षर हम काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर, मतलब बाएं से 20वें अक्षर, 20वें अक्षर कहाँ है, 20वें अक्षर टी है। देखिए बाएं से 20वें अक्षर टी का बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, एंड टी टी से 10वां अक्षर कौन सा होगा, टी से बाएं की ओर, इसका बाएं की ओर 10वां अक्षर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है जे। हमारा आंसर हो जाएगा जे। क्या हमारा ऑप्शन में जे है, बिल्कुल है, सी है हमारा ऑप्शन करेक्ट। अब देखिए विपरीत क्रम, इसके अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है और उसके बाद किसी अक्षर के दाएं या बाएं अक्षर पूछा जाता है। करेक्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, करेक्ट, तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा, 13वां अक्षर। देखिए
दाएं से तीसरे अक्षर, कंफ्यूज मत होइएगा गाइस, दाएं से तीसरे अक्षर, यहाँ हमारा आ जाएगा दाएं, दाएं से तीसरे अक्षर। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं, दाएं से तीसरे अक्षर यानी कि दाएं, वो ये हमारा ए है, वन टू थ्री, ये हमारा दाएं से तीसरे अक्षर सी आ रहा है, एंड सी से क्या बोलता है बाईं ओर, तेरहवां अक्षर कौन सा होगा, सी से बाईं ओर तेरहवां अक्षर काउंट कीजिए, वन टू, यहाँ पे पीछे आ जाएगा ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारा 13 में आ जाएगा पी, तो हमारा ऑप्शन है पी करेक्ट। अब देखिए शब्द संरचना, वर्ड फॉर्मेशन, किसी विशेष नियम के अनुसार दिए गए शब्द के अक्षरों की सहायता से किसी अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करना शब्द संरचना कहलाता है। इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में एक मूल शब्द दिया जाता है एवं सामान्यतः प्रत्येक अक्षर का एक ही बार प्रयोग करते हुए उस मूल शब्द के अक्षरों से कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं या कौन कौन से शब्द नहीं बनाया जा सकता है, अभ्यर्थियों को यह ज्ञात करना होता है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द को मिश्रित करके प्रश्न पूछे जाते हैं एवं अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस दिए गए मिश्रित शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित कर अर्थपूर्ण शब्द के प्रथम, मध्य या अंतिम अक्षर का प्रश्नानुसार उत्तर विकल्प के रूप में चयन कीजिए। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न में एक शब्द दिया गया होता है एवं अभ्यर्थियों को यह ज्ञात करना होता है कि दिए गए शब्द के अक्षर से विकल्प का कौन सा शब्द बनाया जा सकता है करेक्ट। देखिए उदाहरण 3 में क्या बोलता है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, उस विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए डी, डी ई क्या है, डी ई एम ओ सी आर ए सी वाई, डी ई एम ओ सी आर ए सी वाई करेक्ट, बिल्कुल आसान है गाइस। डेमोक्रेसी, देखिए यहाँ पे इन ऑप्शनों में से इन यहाँ पे जो भी अक्षर है, जो भी डिजिट है, वह इन ऑप्शनों में से आना चाहिए। देखिए यहाँ पे एस ई सी पहला ऑप्शन से ही शुरुआत करते हैं, एस ई सी आर ई सी वाई, क्या हमारा ये सभी डिजिट इन सभी डिजिट में से आ रहा है, चलिए ढूंढते हैं। एस है, एस एस एस, बिल्कुल नहीं है, तो ए ऑप्शन इस गलत, शुरू में ही गलत हो जाएगा, तो फिर बाद का हम माथा पैची क्यों करें। अब हमारा बी, देखिए एम आई सी आर ओ, क्या हमारा ये सभी डिजिट आ रहा है, एम एम आ रहा है, चलिए ठीक है। अब देखिए आई ढूंढिए, आई नहीं आ रहा है, तो फिर बी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए एम ए आर सी वाई, क्या हमारा ये आ रहा है, एम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ए है, देखिए यहाँ पे ए ए ढूंढिए, ए बिल्कुल भी ए है, आर है, क्या आर भी है, सी है, सी भी है, एंड वाई है, वाई भी है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए डेमोन, डी ई एम ओ एन, डेमोन डी है, बिल्कुल डी है, ई है, बिल्कुल ई है, एम है, बिल्कुल एम है, ओ है, बिल्कुल ओ है, लेकिन एन एन हमारा यहाँ है, बिल्कुल नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन भी हमारा गलत। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, इसलिए प्लीज़ 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 लाइक कमेंट एंड शेयर।